अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी भांजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल से और तभी आज लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। लैपटॉप अपना ऑन कर दिया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करना था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कल रात को ही जब वीडियो एडिट कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे पूरी सेटिंग कर दिया था वीडियो अपलोड करने के लिए। टाइटल भी डाल दिया था, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया था, सब चीज़ ओके करके प्राइवेट में सेव कर लिया था। मैंने बोला बस कल लैपटॉप रखूँगा और डायरेक्ट पब्लिक कर दूँगा। अब रोज़ ही ऐसे किया करूँगा क्योंकि यार इस टाइम टाइम नहीं होता, शॉप जाना होता है मुझे और लेट भी हो जाता है। तो ये 10 मिनट लगता है कि बंदा आया, डायरेक्ट पब्लिक किया, वीडियो अपलोड हो गया। अभी देखें, ये अभी ऑन करता हूँ और डायरेक्ट इसको कर देता हूँ पब्लिक। ये देखिए, ये वीडियो है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक ये देखिए, 2 मिनट लगा और ये पब्लिक हो गया। यही फायदा होता है रात को करने का और इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। 2 मिनट में पब्लिक हो गया। आप लोग जाके देख ले, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक देना और जिसका बताया उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें आप लोग। अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप। आज मैं सुबह जल्दी उठकर भी दुकान नहीं गया क्योंकि बिजी था। अभी जा रहा हूँ मैं शॉप से, डायरेक्ट चले गया था अपने भांजे के लिए साइकिल लाने। उसके लिए न्यू साइकिल लिया और आप लोग देख रहे हैं मैं फर्स्ट बार कैप पहन रहा हूँ क्योंकि बाल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा ख़राब और मुझे जाना था मार्केट। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने और फ्रेश होने। यार एक हो गया बहुत बड़ा मसला, मैं लेकर आया साइकिल अपने भांजे के लिए और आयशा और उमर वो लोग को सिस्टर ने मोबाइल में दिखा दिया। वो लोग रोने लग गया। अब वो लोग मुझे बोले कि लेने आओ, मैं जा रहा हूँ उनको लेने, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था उन लोगों को। मैं उनके घर आ गया और ये फुल अंधेरा हो रहा, चेक करो यार, डर लग रहा है, दिल्ली भागो। मैं उन दोनों को लेकर आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करूँ क्योंकि कॉलेज का भी टाइम होने वाला है। मैं फ्रेश होकर थोड़ा टेरिस पे आया, यार बच्चों ने तंग कर दिया, थक चुका हूँ। ये दोनों जब से आए ना तब से मुझे तंग कर रहे हैं। टेरिस पे लेकर चलो साइकिल चलाना है, टेरिस पे लेकर चलो साइकिल चलाना है। अब ये देखें इन दोनों को, आज दोनों जब से आए तब से मुझे इन दोनों ने तंग कर दिया। इसको देखें, ये पूरा बटन वगैरह खोल के पागल बना। ये क्या किया तुमने अपना हुलिया, चलो अब नीचे। इसको इस शहजादी को तो देखें कैसे बैठी हुई है ये। नो ये तो उठी उतर रही नहीं है साइकिल से। हेलो, कैसे आप सब। आज इसका एग्जाम खत्म हुआ है तो मैंने बोला चलो इसको मैं लेकर आ जाता हूँ, वरना तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँ लेने, क्योंकि यार सारे दिन थक जाता हूँ इस वजह से। तो आज मैं गया इसको लेने क्योंकि आज ही इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अरे इन दोनों को लाना अजाब हो गया, ये लोग तो नीचे जा रहे नहीं है और मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मुझे वापसी कॉलेज भी जाना है। आयशा चलो अब नीचे, चलें चलें। अरे ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया इन दोनों को ऊपर लाकर। आयशा मामू थक चुके हैं, नीचे चलिए। अबे यार ये लोग तो जा रहे नहीं है, पसीना पसीना कर दिया इन लोगों ने। अभी फ्रेश होकर मैं आया था बिल्कुल कॉलेज जाने के लिए। उमर अब इन दोनों को समझ आ गया कि जबरदस्ती ले गए जाना, और ये दोनों रोएंगे, दोनों रोएंगे, इनको जबरदस्ती लेकर जाऊंगा नीचे। अबे नीचे चल,
मगरिब का टाइम हो गया। मैं इन लोगों को नीचे लेकर मुश्किल से बच्चों को नीचे लेकर आया हूँ और मैं कॉलेज भी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि यार कल सीन हो गया। कल दोस्त आया था 10 मिनट लेट, तो सर ने उसको भगा दिया, क्लास लेने नहीं दिया। इसलिए मैंने बोला नहीं यार लेट नहीं होना है, जल्दी जाना है। कॉलेज से आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सीधा खाना वगैरह खाने, फिर फ्रेश होकर अपने काम पर बैठ जाऊँगा। और आज मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मैं उनके साथ 1 घंटे था और 1 घंटे में उन लोगों ने मेरे नाक में दम कर दिया है यार, बच्चे संभाले नहीं जाते बिल्कुल। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपना काम करने। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दो और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन लाजमी दबा देना आप लोग, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।